नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इसराइल के बारे में, नई अपडेट नई जानकारी के साथ में। इसराइल का क्लाइंट इंटरव्यू, एक तो होता है फर्स्ट इंटरव्यू, एक होता है सेकंड इंटरव्यू और सीधा इंटरव्यू। इंटरव्यू से संबंधित बात करेंगे और संबंधित क्या भैया, इंटरव्यू है ऑलरेडी, अभी चल रहा है 28-29 इस पूरी फरवरी तक इंटरव्यू चलता रहेगा। तो आपको 28-29 तारीख तक इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको अगर इंटरव्यू इंटरेस्टेड है जाने के लिए, राजस्थान में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, मैं यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। तो भैया पूरा वीडियो देखिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तुक्के से तो हम मिलते ही रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए हम जो भी बात करते हैं भैया, फैक्ट के आधार पे बात करते हैं। ये बंदों ने मुझे डाली है वन, ये बंदों ने मुझे डाली है एक, दो और तीन, तीनों में इंटरव्यू है इसराइल का। अब देखिए फर्स्ट में अगर बात करें तो देख सकते हैं इसराइल का इंटरव्यू चल रहा है, ये होगा 21/2/2024 सीकर में होगा जी, ठीक है जी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट केवल हिंदू है ना जी। टाइल मेसन, प्लास्टर मेसन, स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर, $1800 इसमें तनख्वाह प्लस ओवरटाइम बताया गया है। उम्र 25 से 45 साल, दोनों पासपोर्ट चलेंगे। कैंडिडेट मेडिकल पीसीसी तुरंत करवाना होगा, पासपोर्ट में कम से कम 3 साल की वैलिडिटी, यहाँ पे इसका एड्रेस है। ओके जी, अब आगे देख लो जी, क्लाइंट इंटरव्यू डेट 28-29 फरवरी को दिल्ली में, और ये टाइल मेसन, ब्लॉक मेसन, सेटरिंग कारपेंटर सब सैलरी है इसमें, तनखा देख लो भैया, ये इसराइली शकेल में सैलरी दी गई, इंडिया का 1,85,000 है ना। ओवर टाइम ड्यूटी, आपको खाना रहना सब कुछ मिल जाएगा, 3 से 4 साल एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, उम्र आपकी 24 से 45 साल वगैरह वगैरह है ना, ये डिटेल इसमें दी गई। आपको क्या चाहिए साथ में, आपको चाहिए भैया CV, रिज्यूम, फोटोकॉपी, पासपोर्ट की, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं पास, फोटो, एक्सपीरियंस लेटर मिनिमम 3 साल का, ये अगर है तो बेस्ट है। इधर देखो इसराइल की क्लाइंट इंटरव्यू 21 से 28 फरवरी तक दिल्ली में, इसराइल की मल्टीनेशनल कंपनी, इसके देखिए एक अच्छी बात क्या लिखी है इसमें, कृपया किसी की बातों में ना आए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, सबकी फ्लाइट 1.5 महीने के अंदर हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कैंडिडेट चलेंगे, तो ये बात भैया कहाँ तक सत्य है मुस्लिम वाली, आप सब लोग कमेंट करके बताना, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू मांगा गया है, यहाँ पर भी हिंदू मांगा गया है, सीकर राजस्थान में जो इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पर सिर्फ हिंदू कैंडिडेट मांगा गया है। हाँ मुस्लिम जाएंगे, आगे जाएंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पे ठीक है जी, कैंडिडेट को काम सिखाया जाता है, अगर आपको काम नहीं आता है तो आप काम सीख सकते हैं कहीं पर भी जाकर, ये सुविधा सब देते हैं 23 से 45 साल की उम्र का। अब ये जो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इनमें कितना फर्क है, ये तीनों चीज़ें मैन पावर में नहीं है, आपकी बुक में इनका एड्रेस नहीं मिलेगा, मैंने तीनों का सर्च करने के बाद ये बात बता रहा हूं। तो पहली बात तो हालांकि ये जो ऑफिस है ना भाई साहब, ये कम से कम 15 सालों से शायद ऊपर ही चल रहा है, पर्सनली इसको जानता हूं मैं है ना, और इसका नहीं है पता, ये भी हमारे इधर राजस्थान में ही है, लेकिन इनका कहीं अपने मैन पावर अथोराइज एजेंसी लाइसेंस नंबर इनके पास नहीं है, ये लोग काम कर रहे हैं। अब इनका देखिए प्रोसेस क्या, ये लोग इंटरव्यू कराएंगे आपका, प्री सिलेक्शन इंटरव्यू हो रहा जी, आ जाओ, लोग चले जाएंगे, फिर वो लोग पास हो जाएंगे तो उनको कहीं दूसरी साइड पे लेके शिफ्ट कर दिया जाएगा, कि जहां मैन पावर ऑफिस है वहां पे इनका फाइनल इंटरव्यू करवा दिया जाएगा, और इनका फाइनल इंटरव्यू होगा दिल्ली में, ठीक है जी। दिल्ली में पूरी फरवरी तक इंटरव्यू चल रहा है, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जिसको बोला जाता है। अभी भी मेरी दिल्ली में लड़कों से बात हुई है, बोला सर हम दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो दिल्ली में 2 से 3 ऑफिस ऐसी हैं जहां पे क्लाइंट इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा। राजस्थान में भी चल रहा है मैन पावर ऑफिसों में, मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा, ये दिख रहा है आपको, ये बंदे ने मुझे डाला है निकाल के, वहां से दिल्ली में ये लोग इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं, इनके एजेंट ने वहां पे इंटरव्यू देने के लिए लेके गया है। ये भीड़ दिख रही है ना, दिल्ली का भीड़ है, वहां पे मैन पावर ऑफिसों में इंटरव्यू चल रहा है। अब इसका भी मैंने डिटेल पता लगाया ना कि भैया कौन सी ऑफिस में इंटरव्यू है, तो ये मैनपावर ऑफिस में इंटरव्यू, ये खुद जो इंटरव्यू करवा रहा है ना, ये मैनपावर नहीं है, ये अथोराइज मैनपावर के संरक्षण में जिनको बोला जाता है ना, उनकी इजाजत से वहां पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये बंदे ने मुझे अपने फॉर्म, जो आप जाओगे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसा कोई फॉर्म भरना पड़ता है जो आपकी डिटेल आती है, उसमें आपका नाम और क्वालिफिकेशन है ना, पासपोर्ट के ऊपर आपका एजेंट मैनपावर है उसका एड्रेस है, तो इस फॉर्म में मैनपावर ऑफिस का एड्रेस है। अच्छी बात यह है कि इसमें मैनपावर ऑफिस का एड्रेस है, ये इंटरव्यू मैनपावर ऑफिस के द्वारा की जा रही है। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट, ये CV वगैरह बंदे ने डाल रखा है, इस तरीके से फॉर्म वगैरह भरे गए हैं। और बंदे ने मुझे डाला था, बोला सर इस तरह हमारी इंटरव्यू हो रही है, तो मैं उनको बोला सर बताओ सही है क्या, तो भैया ठीक है आप इंटरव्यू दीजिए, मैंने इनको यही बोला था। तो कहने का मतलब आपको यही है, इतना ही है कि आप डायरेक्ट चाहो तो दिल्ली ऑफिस में भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अगर यहाँ पे इंटरव्यू दोगे तो भैया आपका चार्ज बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे ना वो हैं वहीं से आएंगे, दिल्ली से चल के यहाँ आएंगे, या फिर हो सकता है यहाँ से आपको सबको फाइनल में, आप अगर पास हो जाते हैं सेमीफाइनल में, फर्स्ट इंटरव्यू में अगर आप क्लियर होते हैं तो उन लोगों को फिर दिल्ली ले जाया जा सकता है बस में भर के, आप लोगों को बसों में, यहाँ से ऐसा बहुत सारी बार देखने को मिलता है कि यहाँ से बस दिल्ली जाएगी, हालांकि उसका जो खर्चा वगैरह है वो ऑफिस वाले करते हैं, क्योंकि वो आपसे कमाते भी तो है ना, तो खर्चा भी वही करते हैं, तो ऐसा भी होता है आप चाहो तो यहाँ, और आप चाहो तो भाई डायरेक्ट दिल्ली ऑफिस से इंटरव्यू दिया जा सकता है। अब उससे मेरी बात हुई तो बोला सर 3,25,000 रुपये एजेंट ले रहा है,
मैं बोला यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अगर 3-25 ले रहा है। यहाँ तो लोग भैया 4 लाख से ऊपर ले रहे हैं, 4.5 भी ले रहे हैं, और दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा 4-4 लाख लोग एजेंट ले रहे हैं। लोग 5-5 लाख की तरफ भी ऐसे कोशिश करते हैं कि कोई 5 देते तो हम 5 भी जेब में डाल लें। अगर 3-25 में आपका काम हो रहा है तो मैंने उनको बोला आप वहीं पर इंटरव्यू दीजिए। मैन पावर ऑफिस के द्वारा इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई का मैन पावर ऑफिस है, वो दिल्ली में उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो आप भी ऐसी साठ गांठ तोड़ जोड़ का सिस्टम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इंटरव्यू न दे के डायरेक्ट आप दिल्ली दें। आप एड्रेस वगैरह तो ज़्यादा ऑफिस नहीं है दिल्ली में, 2 से 3 ऑफिस है, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। जिनके पास बुक है तो भैया आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एड्रेस देने की। बाकी आप खुद भी समझदार है भैया, आप मेरे से ज़्यादा होशियार हो गया है ना। तो इस तरीके की कुछ डिटेल थी। राजस्थान में भी इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, बिहार में अलग अलग जगह इंटरव्यू चल रहा है। और नई अपडेट आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।